पता नहीं ये बच्चा भी तुमने कैसे मुश्किलों से करा है, मुझे भगवान जाने कैसे तुमने कैसे आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई है आपके रेट से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार आज ना बहुत ज़्यादा गजब वीडियो किया है, तो वीडियो देखो स्किप मत करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और क्या करना, लाइक शेयर नहीं, नहीं लाइक शेयर कर देना। क्या करना है बोलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी बोलो। लाइक करो, शेयर करो और क्या, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना, बच्चे के लिए सब्सक्राइब कर देना, बहुत प्यारा है, इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया वीडियो में। तो हम मिलते हैं वीडियो के बाद, बाय कर दो, बाय। पापा पापा एक्सक्यूज मी, बस दिखा दी अपनी औकात, यही हो तुम, यही असलियत है तुम्हारी, घर पे अपने बच्चे को छोड़ के आ गए हो, पैसा वैसा नहीं भरना, पैसे के चक्कर में घर पे आ गए हो, थोड़ी तो शर्म करो। नहीं नहीं मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। जानते नहीं हो, सारा दिन जिसके साथ रात दिन साथ रहते हो, पूरा दिन ऐसी तैसी कराते हो और ऐसी तैसी करते हो सामने वाले को, ये भी याद नहीं है तुम्हारा बच्चा और मैं तुम्हारी पत्नी। मैं आपको जानता भी नहीं और ये बच्चा भी मेरा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, नहीं। इसकी और मेरी शक्ल और तुम्हारी शक्ल मिलती नहीं है क्या? ये कह रहे पापा, तो पापा मना कर रहे हैं कि पापा नहीं है, आप बताओ यही पापा है ना हमारे? सही कह रहे हैं, बस सुन लिया, बच्चा कह रहा मैं सही। एक मासूम बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है फोरबेट। सो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इसको काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही इजी टू यूज है और इसका जो पे आउट सिस्टम है ना वो भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो गाइस आप पेटीएम के थ्रू इसमें अपना बैलेंस विड्रॉल भी कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लीगल है यार इंडिया में। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपको फोरबेट की वेबसाइट को कैसे यूज करना है और कैसे आपको पैसे कमाने हैं। सो गाइस चलो यहाँ पे मैंने फोरबेट वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक स्पोर्ट इवेंट चूज करना होता है हमें, तो मैं हमेशा एक क्रिकेट चूज करती हूँ। चलो बैट लगाते हैं इंग्लैंड पे। नाइस यार, देखो अब मेरे को अपना पिछला अमाउंट विड्रॉल करना है अपनी पिछली बैट से। तो यहाँ पे नाइस, यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है पिछली बैट का वो आ चुका है मेरे पास। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और यहाँ पर आप अपने पैसे इजिली पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो। सो गाइस देखा आप लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते आप सिर्फ बैट लगा के कितना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो स्टार्ट करो यार पैसे कमाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फोरबेट वेबसाइट का, चेकआउट करो इसे जाके और खूब सारा पैसा कमाओ, ठीक है? हाँ तो एक मासूम लड़का भी झूठ नहीं बोलता। तो तुम मासूम हो? अगर तुम मासूम होते तो तुम ऐसी हरकत क्यों करते? माना कि तुम्हारे पास थोड़ी पैसों की शॉर्टेज चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ा अपने बच्चे को लवारिस करके छोड़ के आ जाओ। जानता भी नहीं हूं। ये कह रहे हैं हमें जानते नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं हमें जानते हैं। हाँ हाथ पकड़ो उनको, घर लेके चलो, चलो पकड़ो इनको, चलो घर चलो। पूछो सही से कौन है डैडी? यही है, यही डैडी है इसके। और हाँ चलो, और बच्चे को गिर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? नहीं मैडम अब स्लिप हो गया। कोई और मिल गया तो वो बता दो, एक बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। मेरी जिंदगी तो तुमने करी करी सो बर्बाद, लेकिन अपने बच्चे की तो मत करो। मैडम बच्चा होता मेरा ये तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद। वो तुम्हें खींच रहा है, वो बोल रहा है तुम उसके पापा हो और तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लो। मैडम गलती होती जब भी तो एक्सेप्ट करूं। कौन सी कनमुई मिली है मुझे बताओ तुम, कौन है वो हरामजादी औरत जिसने हमारी जिंदगी नानारा कर दिया? मैडम आप क्यों इतना कह रहे हो, मैं जानता भी नहीं। तुम वही हो, ठीक है? मेरा फोन डेड हो गया, अभी फोटोज भी दिखाऊंगी, याददाश्त चलेगी क्या? मेमोरी लॉस हो गई, मेमोरी ऐसे हो गई, बच्चा पागल है, बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। बच्चे की शक्ल मिलती होगी इसके डैडी से मेरी, बस वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि तुम उसके पापा हो, तुम उसको डिनाई कर रहे हो, गलत फहमी नहीं हो रही वो? देखो चलो बच्चा यार घर लेके चलो पापा को, तुम्हारी स्कूल की फीस कौन भरेगा? बोलो स्कूल की फीस कौन भरेगा? हाँ चलो घर चलो। नहीं मैडम जी आप थोड़ा मेरी बात सुनो, उस कंजरी औरत को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से खत्म कर दूंगी, समझे? मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगी तुम्हें ऐसे। एक काम करो पैसे निकालो, चलो पैसे निकालो, मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, अब तुम नहीं रहना। तो बच्चे के पापा से ले लो पैसे। कोई अश्लील औरत मिल गया मुझे पता है तुम्हें, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। बच्चे से पैसे ले लूं मैं, अपने बच्चे से कहां से पैसे ले लूं? बच्चे के पापा से पैसे। तो एक काम करो, हमारा खर्चा पानी हमें चाहिए हमारे। हाँ पैसे लो पापा से, तुम्हारी स्कूल की फीस कौन भरेगा? हाँ दे दो पैसे, बोलो दो। कोई बात नहीं, और भी तो भरनी है, हर मंथ होता है ना। बहुत सारी भर गई, लाओ पैसे निकालो वरना मैं ऐसे बैंडा नहीं छोड़ने वाली तुम्हारा। पैसे लेके जाएगी, ऐसे नहीं छोड़ना। तब मम्मा से कहो कि डैडी कहाँ है, ठीक से पहचानो, जल्दी करो। और इनका घर भी तो ले जाना है। वही तो बात है, घर भी तो लेके जाना है, शर्म ही नहीं आ रही है इसको, शर्म ही नहीं आ रही। एक बार गाली दो इसे तब समझ। डैडी कौन से नजर है, यही है ना कि मैच कर रहा है ना, इनके शूज भी दिख रहे हैं। हां देखा, और यही
नकली नहीं है ना, यही है ना। पैसे निकालो, चलो कंफ्यूजन होगी, पैसे निकालो यार, पैसे फटाफट पैसे दो। मम्मा को कंफ्यूजन होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, क्लियर करो। हमें जीना है, मुझे उसके स्कूल की फीस भरनी है, 100 खर्चे होते हैं, बच्चा ग्रो कर रहा है, देख के बच्चे इतना क्यूट है, टीचर मेरे को भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए, पैसा दो मुझे पैसा, पैसा। हाँ हम भी परेशान हो रहे हैं, उधर के आ जाओ कि मम्मा ऐसा नहीं करते, ठीक से मैच करो देखते। हाँ मैं जानता हूँ आपको, हाँ यही है ना, यही है ना। नहीं मम्मा से क्या हो के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पैसे चाहिए, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे रहना ही नहीं है, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, पता नहीं ये बच्चा भी तुमने कैसे मुश्किलों से करा है, मुझे भगवान जाने कैसे तुमने ये बच्चा करा है, मेरा दिल जानता है और तुम्हारा दिल जानता है। एक काम करो, पैसा निकालो तभी जाएगी हमारी जिंदगी थोड़ी सेट होगी ना, निकालो पैसा जल्दी दो फटाफट। मैडम आपको कुछ मैडम मैडम अब मैडम पे आ गए, कल तक रात दिन एक साथ एक दूसरे के साथ ऐसे तैसे कराते थे, मैडम मैडम हो गया, पैसे निकालो जल्दी करो, आपको जरा दे पैसे, निकालो पैसे मेरे, तुम लीगली पति हो और मैं तुम्हारी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं सरे हम ना ये नाइंसाफी कर नहीं सकती, फटाफट निकालो पैसे, निकालो पैसे, वॉलेट का ले रहे हो या सारी उस कंजरी लड़की पे सारा फेंक देते हो, पैसा बर्बाद कर देते हो, कहा है पैसा निकालो जल्दी करो, कहा है पैसा, पैसे घर भूल गया, घर भूल गए तो एक फोन, तुम्हारा फोन ले जा रही, फोन बेच दूंगी, ठीक है आज चले यार, फोन बेच के आगे उसमें हम अपनी जिंदगी काटेंगे, ठीक है, कह दो शर्म आनी चाहिए ऐसे पापा पे, बोल दो शर्म आनी चाहिए, चलो फोन बेचूंगी पैसे कमाऊंगी। हेलो मैडम, हाँ तो दे दो, मेरा पागल हो गया, फोन लेके जा, फोन देना नहीं देना, नहीं देना, मेरा बच्चा बोल रहा है फोन नहीं देना, तो उसके डैडी का ले लो ना, पहले मेरे बच्चे को मनाओ, अगर वो बोलेगा मैं आई भी नहीं फोन। हाँ तो बेटा इनसे तो कह दो कि मम्मा इनका तो फोन दे दो, अगर मेरा बच्चा बोलेगा ना फोन देना तो दूंगी, दे दो, देना दे दो, नहीं देना, अब ये तुम्हारे हाथ में है, मना लो इसे, कह दो बेटा कि मम्मा दे दो फोन, नहीं नहीं हम एक छोटा सा प्रैंक शूट कर रहे थे, वो कैमरा लगा हुआ देखो सामने, बुरा तो नहीं लगा, नहीं ना नहीं देना, ठीक है हाँ। अच्छा इनको बोल दो हम प्रैंक कर रहे थे, बोल दो हाथ मिला, प्रैंक कर रहे थे, सॉरी परेशान क्या हो तो सच्ची में कर रहे थे, ठीक है बाय। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यार कमेंट करके बेस्ट पार्ट बता देना, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ही प्यारे से बच्चे ने, तो यार इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे आ जाओ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, जल्दी बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बोलो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।